में चलते हुए अब डर लग रहा है किसी वायर को टच कर लिया, कल दिन हम होंगे उनमें से। हमारी डिमांड हमने लिखा था, उनको डिमांड कल सर डीसीपी साहब को हम सामने दे चुके हैं कि हमारी डिमांड थी जिन जिन लोग कैजुअल्टीज जिन्हें पता चले, जो जो लोग इंजर्ड थे उनके बारे में पता चले, कहाँ पे किस हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या कुछ है। This issue to not be repeated again. We do not want any more dead bodies, and we should take this as a wake-up call. Delhi ke IAS coaching centers, यहाँ बच्चे देश के कोने कोने से अपना भविष्य बनाने आते हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वो यहाँ मौत से भी खेल रहे हैं। दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भरने से 3 यूपीएससी छात्रों की पानी में डूबने से जान चली गई। जो यहाँ हुआ ऐसा तो किसी ने ना सोचा था। इस हादसे के बाद प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए 13 सिविल सेवा संस्थानों के बेसमेंट को सील कर दिया है। देखिए अभी ऑलरेडी हम लोग जो है शाम से एक्शन शुरू किया है, अभी 3 यूनिट्स की हमने क्या कहते हैं बेसमेंट हमने की है, क्लोज की है, बाकी आने वाले दिनों में वी आर टेकिंग एक्शन। अपने दोस्तों को न्याय दिलाने के लिए सरकार से न्याय और कार्रवाई की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन पर बैठे हैं। छात्रों ने इस आपदा के लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सुनिए उनका क्या कहना है। 2 दिन पहले एक और हमारे साथी थे जिनके साथ सेम इंसिडेंट हुआ इलेक्ट्रिक शॉक से, वो भी मेंस लिख रहे थे, ये भी मेंस लिख रहे थे, तो उनके साथ ये हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है ना। हमें चलते हुए अब डर लग रहा है किसी वायर को टच कर लिया, कल दिन हम होंगे उनमें से। तो इसके अलावा उनको हम बात कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं, आप लोग हम लोगों से बात करिए, हम लोग यहाँ पर पूरे साल रहते हैं, पॉलिटिशियंस 2 मिनट आते हैं, अपने बाइट देते हैं और चले जाते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम पूरे साल रहते हैं, आप हमसे बात करिए। आप बात करने ही नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? आप स्टूडेंट्स का डिमांड तभी जान पाएंगे ना जब आप हमारे बीच में आएंगे। और क्या हम यहाँ के वोटर्स नहीं है क्योंकि हम आउट स्टेशन है, इसलिए बात करने नहीं आ रहे हैं हमसे क्या? हम पिछले 2 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई ऑफिशियल हमसे मिलने नहीं एमसीडी का। आप देख सकते हैं हर जगह गंदगी है, अभी मौसम अच्छा हो रहा है, अगर आधे घंटे 1 घंटे बारिश हो जाए आपको भी हालत दिख जाएगी, कितना पानी भर जाता है यहाँ पे, पूरा वाटर लॉगिंग हो जाएगा। हमारी डिमांड हमने लिखा था, उनको डिमांड कल सर डीसीपी साहब को हम सामने दे चुके हैं कि हमारी डिमांड थी जिन जिन लोग कैजुअल्टीज जिन्हें पता चले, जो जो लोग इंजर्ड थे उनके बारे में पता चले, कहाँ पे किस हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या कुछ है, एफआईआर की हमें कॉपी मिले, क्या एक्शन है। अभी जो कंडोलेंस लेटर इन्होंने निकाला गहरा हुआ, इसने कुछ नहीं है, सिर्फ वी आर सैड, उन्होंने कुछ अपोलाइज नहीं करा कि हमारी गलती है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो। दूसरी बात, कोई कंपनसेशन की बात नहीं करी। हमने डिमांड में सब लिखा है कंपनसेशन मिलना चाहिए मिनिमम 1 करोड़ फॉर कैजुअल्टीज, जो इंजर्ड उनको 50 लाख तो उनको मिलना चाहिए, राइट है। दूसरा हमने बोला कि सीवेज की दिक्कत यहाँ पे बहुत रहती है इलेक्ट्रिक वायर्स की, ना तो सीवेज का कोई काम कर रहा है एमसीडी, ना कोई इलेक्ट्रिक वायर्स पे कोई काम हो रहा है, बेसमेंट में हर जगह लाइब्रेरी है। मान लो आज यहाँ पे हादसा हुआ है, कल किसी और लाइब्रेरी में पाना भर जाए, बारिश तो होगी, मानसून आ रखा है, हर साल आता है, लोग पता नहीं हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हर बार बारिश में ये दिक्कत होता है। ये वजीरा बड़ा बाजार रोड का, इसको बड़ा बाजार रोड बोलते हैं यहाँ पे राजेंद्र नगर में, आगे जो चौक है ना हर साल बारिश में पानी भर जाता है, जो लोकल उससे पूछ लो, रिक्शा वाले, कई ऐसी जगह यहाँ पे जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, इसको कोई समाधान नहीं होगा जब तक एमसीडी से, तो हम कैसे हमारी लाइफ को सेफ समझे, कोई इतनी दूर से आ रहा है, पेरेंट्स ने हमें भेज रखा है यहाँ पे, तो कोई बेनिफिट है हमारे यहाँ पे, इतना किराया ले रहे हैं, हम कुछ दे रहे हैं, हमें फैसिलिटीज तो नहीं मिल रही ना यहाँ पे, ना इसके लिए कोई अकाउंटेबल हो रहा है, कोई आए नहीं आराम से मिलने। वी हैव रेज्ड आवर डिमांड्स, वी हैव गिवन देम टाइमलाइन फॉर द डिमांड्स। हमारी डिमांड जैसे कि उन्होंने बताया, हमारी 6 डिमांड्स है, हमें प्रूफ ऑफ लाइफ चाहिए ऑफ द सर्वाइवर्स, वी ऑल्सो वॉन्ट द डिटेल्स ऑफ द डिजीज्ड, वी ऑल्सो वॉन्ट कॉपी ऑफ द FIR, वी ऑल्सो वॉन्ट एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी टू बी अगेंस्ट ऑल द कल्प्रिट्स, एंड वी वॉन्ट दिस इश्यू टू नॉट बी रिपीटेड अगेन। वी डू नॉट वॉन्ट एनी मोर डेड बॉडीज, एंड वी शुड टेक दिस एज अ वेकअप कॉल दैट इसके रिगार्डिंग कुछ तो एक्शन या रिजोल्यूशन लिया जाए। पटेल नगर की डेथ वॉज नॉट इनफ, दिस डेथ इज नॉट इनफ, वेन विल वी टेक एक्शन? जब तक हमें कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलता। हमने कल DCP से बात की, हमने हमारी डिमांड्स उनसे उनके अगेंस्ट रखी है, हमने उन्हें आज 12 noon का टाइम दिया है ये डिमांड्स का फुलफिलमेंट करने का, एज एंड व्हेन दैट हैपेंस वी विल अपडेट।